नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन फुटबॉल के स्टार डिफेंडर संदेश झिंगन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक ऐसे सिटी से आने के बावजूद जहां पे फुटबॉल का क्रेज इतना कम है, वहां से आने के बावजूद वह इंडियन फुटबॉल के स्टार डिफेंडर बनते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जो मेरे ब्रैंडन फर्नांडिस वाले वीडियो को जो लाइक किया या उसे जो सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संदेश झिंगन का जन्म 21 जुलाई 1983 को चंडीगढ़ इंडिया में हुआ था। उन्होंने अपने फुटबॉल की ट्रेनिंग सेंट स्टीफेंस एकेडमी में ली है। सेंट स्टीफेंस एकेडमी के साथ खेलते हुए वह फाइनल्स तक पहुंचे हैं साउथ ईस्ट एशिया में होने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर कप में। अपने एकेडमी में अच्छे प्रदर्शन के बाद उनका सिलेक्शन चंडीगढ़ स्टेट टीम में हुआ अंडर 19 लेवल के लिए, और उन्होंने अपनी टीम को बीसी रॉय ट्रॉफी भी जिताई। संदेश झिंगन ने अपने करियर के स्टार्ट में काफ़ी सारे ट्रायल्स दिए आई लीग के सेकंड डिवीजन क्लब और थर्ड डिवीजन क्लब के लिए कोलकाता में, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बाद में उन्हें सेकंड डिवीजन आई लीग क्लब यूनाइटेड सिक्किम से ऑफर आया ट्रायल्स का। यूनाइटेड सिक्किम में उनका ट्रायल सक्सेसफुल रहा और उन्होंने इंडियन लेजेंड भाईचंद भूटिया के साथ खेलने का मौका मिला, और उन्होंने आई लीग सेकेंड डिवीजन में अपना डेब्यू 6 अक्टूबर 2012 को सालगांवकर एफसी के खिलाफ किया। आई लीग सेकेंड डिवीजन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद यूनाइटेड सिक्किम को प्रमोशन मिल गया आई लीग में। फिर उन्होंने यूनाइटेड सिक्किम के लिए आई लीग में भी खेला। फरवरी 2013 में संदेश झिंगन को दो ऑफर आए ट्रायल्स के, एक थे चाइनीज क्लब से और दूसरा था इंडियन नेशनल टीम से। तो उन्होंने इंडियन नेशनल टीम को प्रिफर किया एज कम्पेयर टू चाइनीज क्लब। वह 2013 के सैफ चैंपियनशिप में इंडियन नेशनल टीम का हिस्सा बने। बाद में उन्होंने आई लीग के दूसरे क्लब मुंबई एफसी में साइन किया और उनका डेब्यू 7 दिसंबर 2013 को पुणे के खिलाफ हुआ आई लीग में। 2014 में रिलायंस फाउंडेशन ने हीरो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत की। आईएसएल काफ़ी सपोर्ट किया डोमेस्टिक प्लेयर्स को कि वो उभर के आए, उसमें से एक थे संदेश झिंगन, और ऐसे कई सारे प्लेयर हैं जिन्होंने आईएसएल में अपना नाम किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और यह लिस्ट काफ़ी लंबी है, उसी में से एक है संदेश झिंगन। उन्हें 2014 के आईएसएल डोमेस्टिक ड्राफ्ट में केरला ब्लास्टर्स की तरफ से सिलेक्ट किया गया। 2014 के सीजन के स्टार्ट में उन्हें पहले मैच में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने दूसरे मैच से ही रेगुलर रहे केरला ब्लास्टर्स के लिए 2014 के सीजन में। उन्होंने 14 अपीयरेंस दिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और जिसके चलते केरला ब्लास्टर्स की टीम फाइनल तक पहुंच पाई और फाइनल मैच खेला गया केरला ब्लास्टर्स वर्सेस एटी के मोहन बगान। 2014 का सीज़न बहुत ज़बरदस्त सीज़न था और अनफॉर्चुनेटली केरला ब्लास्टर्स नहीं जीत पाई, लेकिन 2014 के आईएसएल इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड संदेश झिंगन ने जीता, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड संदेश झिंगन को दिया। 8 फरवरी 2015 को स्पोर्टिंग गोवा ने केरला ब्लास्टर्स से संदेश झिंगन को लोन पे लिया 2014-15 आई लीग सीजन के लिए, और फिर उन्होंने वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 2015 के आईएसएल सीजन में उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया, और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद वह हाईएस्ट पेड इंडियन फुटबॉलर बने उस लीग में, जो कि बहुत अच्छी बात थी और जिससे काफ़ी यंग टैलेंट को मोटिवेशन मिलता है कि वह भी अच्छा प्रदर्शन करे। केरला ब्लास्टर्स टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई 2015 के सीजन में और 27 गोल कंसीड की, जिसके चलते केरला ब्लास्टर्स की टीम 2015 में लास्ट पोजीशन पे रही। फिर 2016 में वह डीएसके शिवाजीयन क्लब के साथ ज्वाइन हो गए लोन पे। आईएसएल के 2016 के सीजन में केरला ब्लास्टर्स की तरफ से काफ़ी सारे सेंट्रल डिफेंडर की साइनिंग हुई और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेंट्रल डिफेंडर थे, जिसके चलते संदेश झिंगन को राइट बैक पोजीशन पे शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन राइट बैक पोजीशन में भी संदेश झिंगन ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और सबके दिल जीते। 2016 के सीजन में भी केरला ब्लास्टर्स नहीं जीत पाई, पर आई डेफिनेटली थिंक केरला ब्लास्टर्स एक ना एक दिन जरूर जीतेगी आईएसएल को। बाद में वह 12 जनवरी 2017 को उन्होंने बेंगलुरु एफसी को ज्वाइन कर दिया एज अ लोन पे। फिर
वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ पे सीके विनीत भी थे, संदीप झिंगन भी थे और कैप्टन लीडर लेजेंड तो थे ही। वहाँ पे उन्होंने फिर 21 मई 2017 को 16-17 के फेडरेशन कप को जीता, मोहन बगान को 2-0 से हरा के। 2017-18 के सीजन में वह केरला ब्लास्टर्स की तरफ से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने साइन किया और जिसके चलते संदीप झिंगन ISL के हिस्ट्री में हाईएस्ट पेड डिफेंडर बने थे। वह अमाउंट था 38 मिलियन का। और 16 नवंबर 2017 को जो कि ओपनिंग मैच था ATK के खिलाफ, तब उन्हें केरला ब्लास्टर्स की कप्तानी संभाली और उसके बाद 18-19 के सीजन में भी वह कप्तान रहे केरला ब्लास्टर्स के लिए। 2019-20 के स्टार्टिंग के सीजन में ही संदीप झिंगन बाहर हो गए ACL इंजरी के चलते। आप इस इमेज में देख सकते हो कि ACL इंजरी क्या होती है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है और जिसके चलते संदीप झिंगन 6 महीनों के लिए बाहर हो गए। झिंगन के बाहर जाने के बाद ना सिर्फ केरला ब्लास्टर्स की टीम को फ़र्क पड़ा बल्कि इंडियन नेशनल टीम को भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि इंडियन नेशनल टीम तब 2022 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रही थी और हम सब जानते हैं कि संदीप झिंगन एक कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन नेशनल टीम के लिए। 21 मई 2020 को केरला ब्लास्टर्स फैंस के लिए काफ़ी बुरा दिन था। उस दिन संदीप झिंगन ने केरला ब्लास्टर्स को अलविदा कह दिया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी केरला ब्लास्टर्स टीम के लिए के बीच में और संदीप झिंगन के बीच में। संदीप झिंगन का जो रिटायरमेंट जब लीव कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आई रियली लव केरला ब्लास्टर्स क्लब एंड देयर फैंस, मैंने अपने क्लब के लिए सब कुछ दे दिया, मैं पैसों के लिए नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मुझे पैसे के लिए छोड़ के जाना था तो मेरे पास इससे पहले भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स आए थे, तब मैं छोड़ के जा सकता था। केरला ब्लास्टर्स हमेशा मेरे साथ रहेगी और इससे मुझे कोई छीन नहीं सकता। केरला ब्लास्टर्स ने उनकी जो टी शर्ट है, टी शर्ट का नंबर 21 जो वो पहन के खेलते थे, उस टी शर्ट नंबर 21 को परमानेंटली रिटायर कर दिया। 26 सितंबर 2020 को संदीप झिंगन ने ATK मोहन बगान के लिए साइन किया 5 साल के डील के लिए। टीरी और झिंगन की जोड़ी वहाँ पे देखने लायक थी। वहाँ पे उन्होंने 22 मैचेस में 10 क्लीन शीट रखी। इसी बात से आप समझ सकते हो कि टीरी और झिंगन की जोड़ी वहाँ पे कितनी फेमस थी। टीरी और झिंगन की जोड़ी के चलते ATK मोहन बगान ने फाइनल में अपने कदम रखे और फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वह मुंबई सिटी FC से हार गई, जो कि अगेन डिसअपॉइंटिंग था संदीप झिंगन के लिए। यह वो तीसरी बार फाइनल में आए लेकिन वह जीत नहीं पाए। अगर हम संदीप झिंगन के नेशनल टीम के करियर के बारे में बात करें तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने सीनियर टीम में जब डेब्यू किया था नेशनल टीम के लिए, तब उन्होंने 2015 में किया था, तब इंडिया की फीफा रैंकिंग 173 थी जो कि लोएस्ट थी। बाद में जुलाई 2017 में वह टीम के साथ थे, तब इंडिया की रैंकिंग 96 हुई थी। 2015 से लेकर 2021 तक उन्होंने इंडियन कलर में 40 बार अपीयरेंस दिया है और उसमें से 4 गोल उन्होंने स्कोर किए और उसमें से पहला गोल जो स्कोर किया था वो तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ किया था 29 मार्च 2016 को। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया था एज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स के लिए। AIFF ने उन्हें 2020-21 के प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। संदीप झिंगन के लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? इनके लाइफ से हम यह सीख सकते हैं कि हमें कभी भी अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टाइम क्यों ना आ जाए। वह इंजर थे और वह मैक्सिमम टाइम इंजर रहे हैं और उनकी इंजरी के चक्कर में काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट भी हुए हैं काफ़ी फैंस, लेकिन वह यह बात जानते हैं कि इंजरी आती है, यह पार्ट ऑफ द गेम है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल की वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।